दोस्तों चाय इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला बेवरेज है और इंडिया में चाय सुबह दोपहर शाम हर वक्त बनती है और इसका बिजनेस डे बाय डे ग्रो हो रहा है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर आप आसानी से चाय के बिजनेस में एंटर कर सकते हैं और चाय के बिजनेस में एंटर करने के बाद आप इस बिजनेस को जितना मर्जी चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। तरह की टी आपके लिए लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ ग्रीन टी और हर्बल टी भी आपके लिए फ्यूचर में लेकर आने वाले हैं। मैं आपको यहां पर इनके कुछ पैक्स दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं बताऊंगा इस कंपनी के बारे में। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। सो दोस्तों, हम जानते हैं कि आप किस तरीके से अमारो टी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं और साथ ही साथ इस चाय के बारे में अधिक जानते हैं। अब फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आप इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे ले सकते हैं। सो दोस्तों, आप जहां भी रहते हैं सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन शेयर करनी पड़ेगी। आप अपनी लोकेशन शेयर करेंगे, लोकेशन शेयर करने के बाद अगर वहां पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो कंपनी आपसे संपर्क करेगी और संपर्क करने के बाद आप 25,000 से 30,000 रुपए का स्टॉक लेकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप चाहें कि आप सिर्फ 25,000 से 30,000 रुपए के बिजनेस की बात कर रहा हूं, नॉर्मली अगर आप चाय के बिजनेस में एंटर करेंगे तो हो सकता है कि आप किसी भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे तो 2,00,000 से 5,00,000 रुपए आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन यहां पर आपको अमारोटी एक ऑप्शन दे रहा है कि आप सिर्फ 25,000 से 30,000 रुपए का स्टॉक लेकर भी इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आप मार्केट को सर्वे करिए और जितनी भी रिक्वायरमेंट हो और जैसी भी रिक्वायरमेंट है आप ऑर्डर्स लगाते रहिए और कंपनी आपको स्टॉक आपके एड्रेस पर डिलीवर करती रहेगी। सो यहां पर आपके लिए सबसे पहली अपॉर्चुनिटी क्या है? पहली अपॉर्चुनिटी तो यह है कि आप लो इन्वेस्टमेंट में भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या है? यहां पर आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलने वाला है। कंपनी की तरफ से आपको ट्रेनिंग सपोर्ट मिलेगा, कंपनी की तरफ से आपको मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा, ये सभी सपोर्ट्स कंपनी आपको करेगी और साथ ही साथ आपको आपके सेल्स के ऊपर इंसेंटिवाइज भी करेगी। जैसे कि अभी अलग अलग टारगेट्स दिए गए हैं और अलग अलग टारगेट के ऊपर आपको टीवीएस की जुपिटर बाइक से लेकर बुलेट तक आपको गिफ्ट मिल सकती है। तो इस तरीके की स्कीम्स कंपनी आपके लिए निकालती रहती है, कभी गिफ्ट की स्कीम्स आएंगी और कभी हो सकता है कि डिस्काउंट की स्कीम भी आ जाए। तो ऐसी स्कीम्स आपके लिए भी आएंगी और साथ ही साथ कंज्यूमर्स के लिए भी आएंगी कि 1 किलो परचेज करने पर या 2 किलो परचेज करने पर आपको कंज्यूमर्स को क्या मिलेगा। कंज्यूमर्स को जब कोई स्कीम मिलती है, कोई गिफ्ट मिलता है, तो वो प्रोडक्ट को घर पर लेके जाता है और एक बार कोई प्रोडक्ट अपने घर लेके जाएगा उसके बाद अगर उसे क्वालिटी पसंद आई तो वो रिपीट ऑर्डर जरूर करेगा। सो फ्रेंड्स, कंपनी इस तरीके से नई नई स्कीम्स लाकर अपने प्रोडक्ट को लोगों के घर तक पहुंचाएगी और लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए इस प्रोडक्ट को दुकान पर पहुंचाना पड़ेगा और दुकान में पहुंचाने के लिए कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए और इसलिए ये आपको एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपॉर्चुनिटी दे रही है जहां पर आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब इसके डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन बन सकता है? दोस्तों, अगर आपको पहले से कोई भी रिटेल सेल्स का एक्सपीरियंस है तो आप इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर आप किसी भी कंपनी के ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हो। जैसे कि दोस्तों, हो सकता है आप किसी भी एफएमसीजी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप चला रहे हो और आपके गोडाउन में स्पेस भी है और आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी लगा सकते हो तो आप इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आज ही ले लीजिए, क्योंकि आपको ना ही इसकी मार्केटिंग के लिए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, ना ही आपको इसकी डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जो भी प्रॉफिट आएगा, सपोज करिए आपने अगर 1,00,000 से 2,00,000 का भी माल बेचा तो आप आसानी से 20,000 से 25,000 रुपये महीना कमा लेंगे। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आपके पॉकेट में आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने घर से इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सेल्फ अपनी स्कूटी या बाइक से डिलीवर कर लेंगे और आप खुद ही मार्केटिंग करेंगे, तब भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस बिजनेस में जरा से भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर नंबर भी नजर आ रहा होगा, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। इस पर कॉल करने के बाद आप इस कंपनी की पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं, हम आपको डायरेक्टली कंपनी से कॉन्टैक्ट करवाएंगे और आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलवाने में मदद करेंगे और साथ ही साथ आपके बिजनेस प्रमोट करने में भी मदद करेंगे। सो दोस्तों, अमारो टी चाहता है कि इंडिया आत्मनिर्भर बने और आप लोग आत्मनिर्भर बने, अपना बिजनेस खुद चालू करें। तो अगर आप अमारो टी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, देन डू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो। सो फ्रेंड्स, आज की बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी अमारो टी की, जो कि क्लीन फिट न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आया है। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल और आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें और मैं आपके लिए इसी तरीके से नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आता रहूंगा। मैं हूं आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त, और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइज बताओ। जय हिंद, जय भारत।